तो गाइस ये वीडियो ना ही किसी टॉपिक पे है या कोई, ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है। आपको टाइटल देख के भी समझ आ गया होगा कि ये वीडियो क्यों हम लोग बना रहे हैं। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक भैया थे जो कैमरा के सामने, मतलब इस वीडियो में जितना भी मैं वीडियो बनाया शर्माते हैं। शर्माते हैं, जो दो ही ब्लॉग में आई है। हाँ न्यू ईयर पार्ट वन और पार्ट टू। हाँ थोड़ा तो वो भैया सैटरडे से ना, सैटरडे जनवरी 9 4:30 PM साइकिल लेके निकले से। थे हाँ और अभी तक घर नहीं आए। आज हाँ 12 तारीख है। और आज 12 तारीख हो गया है। तो गाइस ये वीडियो बस इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोग उन्हें कहीं भी देखे हो या आप लोग देख उनका फोटो आप अभी देख सकते हैं, मैं फोटो दे रहा हूँ। तो यही वो भैया हैं जो गायब हैं, वो मिसिंग हैं। और एक साइकिल का फोटो भी। और एक साइकिल का फोटो भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यही है कि अगर आप लोगों ने कहीं भी देखा है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पर DM करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लोग नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बिना मतलब का कॉल करेंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं। और अभी सिचुएशन बहुत खराब है तो बीच में कोई बिना मतलब का कॉल करता है तो अच्छा है। स्पेशली दीघा साइड के लोगों के लिए हाँ है। ये वीडियो स्पेशली दीघा साइड लोगों के लिए है क्योंकि जो लास्ट CCTV फुटेज है वो जो दीघा मोड़ है वहीं पे देखा गया है। तो अगर कोई भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो दीघा साइड से तो प्लीज जरा देखें, आसपास में शेयर करें इस वीडियो को और टैग करें पटना न्यूज़ पटना के सभी लोगों को कि कहीं भी देखे हों तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करें, Vishal_2605 पे, वहां पे आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज शेयर करें, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या है क्यों गए हैं, और बस ऐसे ही साइकिल चलाने गए थे और उसके बाद आए नहीं है, बस यही है। और कोई दिक्कत तो नहीं था, तो बस यही वीडियो था छोटा सा। अगर आपको कहीं भी मिले तो प्लीज हमें बताएं या हमें कांटेक्ट करें, DM करें। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कहीं भी मिले तो कमेंट भी इंस्टाग्राम कीजिए। आईडी नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, हाँ कमेंट कर दीजिए कि हम यहाँ देखें हम। लेकिन अगर इंस्टाग्राम है तो पक्का DM ही करिए। हाँ या आप अपना DM कीजिए हमको, हम आपको कॉल करेंगे। DM में आप अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं।